नमस्कार दर्शकों, आरवाइस डिजिटल न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं आज के मुख्य ताजा खबरों की तरफ। 10 दिन पहले दुर्गापुर के सिटी सेंटर के अंबुजा में एक चिकित्सक के घर में 3 अपराधियों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। बुधवार रात को दुर्गापुर पुलिस ने जमुआ इलाके से 3 युवकों को घटना में सम्मिलित आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को लेकर दुर्गापुर के डीसी अभिषेक गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस दौरान उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले जमुआ इलाके के 3 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद दुर्गापुर पुलिस तुरंत हरकत में आई और जमुआ से शेख शुक्र इमरान खान और शेख आबादी को गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शेख शुक्र इस घटना में पूरा मास्टरमाइंड है। उसी ने चिकित्सक सूरज चंद्र प्रथम के घर पर काम करने वाले इमरान को इस अपराध के लिए उकसाया। घटना के दिन करीब दोपहर 3 बजे ये तीनों चिकित्सक के घर आए। तीनों के मुंह ढके हुए थे। कॉलिंग बेल बजाने पर जब दरवाजा खोला गया तो तीनों के घर के अंदर घुसकर चाकू की नोक पर गहने और नकद 33,000 रुपये और 2 मोबाइल चुरा लिए। पुलिस के आला अधिकारियों ने पत्रकार को बताया कि पुलिस ने CCTV कैमरे के तकनीकी सहयोग और पुलिस के खबरियों के माध्यम से इस मामले को सुलझाया। पुलिस ने अब तक कुछ गहने के 14,000 रुपये नकद घटना में इस्तेमाल की गई शेख शुक्र की बाइक और बरामद की है। साथ ही साथ घटना के समय आरोपी ने टी शर्ट पहनी हुई थी, वही बरामद की गई। डीसी ने कहा कि पुलिस अदालत से आरोपियों के 10 दिनों का रिमांड मांगेगी। साथ ही साथ आरोपी किसी और अपराध में सम्मिलित है कि नहीं, इसकी जांच की जा रही है। यह थी पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले से ब्रजेश इलाही अंसारी की खास खबर।